हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अलजेब्रा क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। सो हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 के देखने के पहले कंसेप्ट है वो मैंने अपलोड किया है। सबसे पहले आप लोग उसको देखिए, बेसिक कंसेप्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, चेतना स्टोर्स पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,00,500 एट द टाइम ऑफ परचेस। ये इन्होंने कब पे किया है? टाइम ऑफ परचेस पे, खरीदारी करते समय 1,00,500 पे किया है, जीएसटी पे किया है। एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,000 एट द टाइम ऑफ द सेल। टाइम ऑफ सेल पे मतलब जब वो बेच रहे थे तब उन्होंने कितना कलेक्ट किया है? 1,22,000। तो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। चेतना स्टोर ने कितना जीएसटी पे किया है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आउटपुट टैक्स लिख लेते हैं। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है? एट अ टाइम ऑफ सेल। तो यहां पे लिखो आउटपुट टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। बेचते समय कलेक्ट किया हुआ जो आउटपुट टैक्स रहेगा वो कितना है? वो है 1,22,500 रुपीस। ठीक है, देन अब हमको क्या चाहिए? इनपुट टैक्स चाहिए। इनपुट टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। परचेस करते समय जो हमने पेड किया है टैक्स, उसको क्या बोलेंगे? उसको इनपुट टैक्स बोलेंगे। तो वो कितना दिया हमारे पास? 1,00,500 रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पे सो देट हमको इनपुट और एंड आउटपुट मिल गया, तो हमारा जीएसटी पेएबल कितना होता है? जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। चेतना स्टोर्स से जीएसटी पेएबल क्या होगा? फॉर्मूला क्या है इसका? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो ये देखो, आउटपुट टैक्स कितना है? 1,22,500 माइनस 1,00,500। तो इसको माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22,000 रुपीस चेतना स्टोर पे करेगा। यहाँ पे अब हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर में लिखो जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर्स इज इक्वल टू 2,200 रुपीस। सॉरी, 22,000 रुपीस। तो इसी तरीके से करना है। याद रखना, अगर परचेस का जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा? वो इनपुट रहेगा, और सेल के टाइम पे क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा। सिर्फ इतना याद रखोगे ना तो तुम लोग को बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। अगर खरीदते समय जो जीएसटी रहेगा वो क्या होगा? खरीदते समय इनपुट होगा और बेचते समय आउटपुट होगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है। नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सी हैज पेड जीएसटी रुपीज 12,500 ऑन द परचेस एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST payable? अब एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है?
यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, नजमा जो है एक फर्म की प्रोप्राइटर है, मालिक है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब जो उसका फर्म है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, सी एस पेड जीएसटी ऑन परचेस। तो ये जो देखो जो ये परचेस है, परचेस क्या होता है, परचेस के समय पे जीएसटी हमारा क्या रहेगा, इनपुट रहेगा, ठीक है। और कलेक्टेड जीएसटी ऑन द टाइम से 14,750, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आउटपुट टैक्स हो जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, आईटीसी का अमाउंट क्या है, हाँ तो आईटीसी का अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, आईटीसी का अमाउंट हमारा हो जाएगा जो हम लोग परचेस के टाइम पे जीएसटी पे किए हैं, तो हमारा आईटीसी हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल, जो जीएसटी पेएबल का अमाउंट अभी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इसमें सिर्फ यही पॉइंट को याद रखने का है कि खरीदते समय या परचेस करते समय जो हमारा जीएसटी रहेगा वो क्या रहेगा, परचेस करते समय जो जीएसटी रहेगा वो इनपुट रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या लिखो, इनपुट टैक्स कितना आ जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा 12,500 रुपीस। क्यों, क्योंकि ये परचेस के समय पे दिया गया। उसके बाद ये है जो सेल के समय वाला क्या होता है, आउटपुट टैक्स कितना हमारा बनेगा, ये हो जाएगा 14,715, ठीक है। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, आईटीसी का अमाउंट क्या आएगा, यही आएगा 12,500, ठीक है। उसके बाद है जीएसटी पेएबल बाय नजमा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो जीएसटी पेबल बाय नजमा, नजमा जीएसटी कितना पे कर रही है, तो फॉर्मूला क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट है हमारा 14,750 एंड इनपुट क्या है 12,500, इसमें से माइनस कर दो तो हो जाएगा 12,250 रुपीस ना, यही हमारा आंसर बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखते हैं क्या क्या पूछा गया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, तो यहाँ पे लिखो आईटीसी क्लेम्ड बाय नजमा, नजमा ने कितना आईटीसी लिया है, कलेक्ट किया है, हो जाएगा 12,500, ठीक है। और जीएसटी पेबल बाय नजमा, जीएसटी कितना पे किया है, पेबल बाय नजमा, जीएसटी कितना पे किया है, 2,250 रुपीस, हो गया। सिर्फ इसमें यही चीज ना तुमको कंफ्यूजन करेगा कि परचेस के समय पे हमारा क्या रहेगा और सेल के समय पे क्या रहेगा, ये चीज अगर तुमने अच्छे तरीके से कर लिया तो तुम्हारा ये एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरीके से जाएगा, परचेस के समय इनपुट और सेल के समय आउटपुट। सो अभी हम लोग करते हैं थर्ड सम में क्या दिया है, अमीर इंटरप्राइज परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी 3,800, ही सोल्ड दोस बोटल ऑफ टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी 4,100, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बोटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड जीएसटी पे 4,500, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस द पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहाँ पे क्या बोला गया है, अमीर इंटरप्राइज जो है वो चॉकलेट की बॉटल को खरीदता है और जीएसटी पे करता है 3,800 रुपीस, ठीक है। और वही बॉटल को अकबरी ब्रदर्स को बेच देता है और अकबरी ब्रदर्स से जीएसटी के रूप में लेता है 4,100 रुपीस, और मयंक फूड कॉर्नर वाला अकबरी ब्रदर्स से परचेस करता है, खरीदता है और जीएसटी पे करता है 4,500। फाइंड द अमाउंट ऑफ द जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज,
तुमको जीएसटी पे कर जीएसटी निकालना है एवरी स्टेज पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ये कि पहले कौन है, अमीर इंटरप्राइज ठीक है। ये किसको बेच रहा है, ये अकबरी ब्रदर्स को बेच रहा है, ये किसको बेच रहा है, अकबरी ब्रदर्स। इसको इस तरीके से बना करके करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और अकबरी ब्रदर्स से कौन परचेस कर रहा है, मयंक फूड कॉर्नर ठीक है। अब इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, अमीर इंटरप्राइज परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल फ्रॉम द जीएसटी थ्री था, मतलब अमीर इंटरप्राइजेस ने किसी दूसरे को कितना दिया गया है, 3,800 रुपीस इसने जब परचेस कर रहा था तब इसने जीएसटी इतना दिया है, किसको दिया है, जिससे इसने परचेस किया था। अब अमीर इंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रदर्स को इसका जो ट्रांजैक्शन हुआ है, अमीर इंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रदर्स को दिया और कितना कलेक्ट किया है, 4,800 ठीक है। और मयंक फूड कॉर्नर ने इसने इसको चॉकलेट की बोतल दी और इसने इसको जीएसटी दिया, जीएसटी इसने कितना दिया है, 4,500 रुपीस ठीक है। फाइंड द अमाउंट, अभी हमको इसका जीएसटी निकालना है। अब मुझे ये बताओ, देखो ये इन लोगों ने जैसे अमीर इंटरप्राइज ने जिससे भी परचेस किया है उसको उसने जीएसटी पे किया है 3,800, तो वो हमारा ये इनपुट होगा कि आउटपुट होगा। ये देखो ये पे कर रहा है, मतलब परचेस के समय पे, हाँ जब ये देगा यहाँ से अमीर इंटरप्राइजेस किसी को देगा जीएसटी, तो वो मतलब प्रोडक्ट जो है सॉस का बॉटल जो है वो क्या करेगा, वो परचेस करेगा। तो परचेस करते समय जो पे किया जाता है जीएसटी वो किस में आता है, वो इनपुट में आता है। तो यहाँ पे लिखो फॉर अमीर इंटरप्राइज, पहले अमीर इंटरप्राइजेस के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। अमीर इंटरप्राइज के लिए इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स इसके लिए कितना हो जाएगा, 3,800। और यहाँ पे देखो ये अकबरी ब्रदर्स को जब बेचेगा प्रोडक्ट तो इसके पास टैक्स कितना आ रहा है, 4,100, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। ये क्या होगा इसका, ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, 4,100 रुपीस ठीक है। तो ये जब ये इसका इनपुट टैक्स हो गया, ये इसका आउटपुट टैक्स हो गया, तो जीएसटी पेबल बाय अमीर इंटरप्राइजेस, यहाँ पे लिखो सो दैट जीएसटी पेबल बाय अमीर इंटरप्राइज इज इक्वल टू क्या बनेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यही होगा। तो आउटपुट कितना है, 4,100 माइनस 3,800 ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 रुपीस, ये हो जाएगा जीएसटी अमीर इंटरप्राइजेस ने पे किया ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम वैसे अकबरी ब्रदर्स के लिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखो फॉर अकबरी ब्रदर्स ठीक है। अब यहाँ पे देखो अकबरी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स क्या होगा, इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है जो परचेस करते समय जो उसने टैक्स पे किया है। तो परचेस करते समय खरीदते समय कितना पे किया है, 4,100, उसने कितना पे किया है, 4,100 रुपीस। और आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, जो उसने सेल करते हुए, तो सेल किसको किया है, अकबरी ब्रदर्स ने सेल किसको किया, मयंक फूड कॉर्नर को किया है, और वहां से उसने कितना लिया है, 4,500। यहाँ पे लिखो जीएसटी पेबल बाय अकबरी ब्रदर्स, अकबरी ब्रदर्स से कितना पे किया है,
तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसका भी फॉर्मूला वही आएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा 4500 माइनस इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा 4100। ये माइनस करने के बाद ये कितना पे कर रहा है, ये पे कर रहा है 400 रुपीस। देखो अब मयंक फूड कॉर्नर का क्यों नहीं निकलेगा, मयंक फूड कॉर्नर का इसलिए नहीं निकलेगा क्यों, क्योंकि ये जो है इसका इसका मतलब इनपुट है, लेकिन इसने किसी को बेचा नहीं, इसका कोई आउटपुट नहीं है, सिर्फ इसका इनपुट है। तो आउटपुट है ही नहीं हमारे पास, मतलब उसने बेचा नहीं है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वो एक कंज्यूमर हो जाएगा। सो अब हमको क्या पूछा गया है, ये तो हो गया हा? फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी पेबल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इसको बना करके फिल कर लो, ये क्या है, ये हमारा आ जाएगा कंपनी, ठीक है, ये हो जाएगा जीएसटी, ये हो जाएगा सी जी एस टी, और ये हो जाएगा यस जी एस टी, ठीक है। तो कंपनी कंपनी के यहाँ पे क्या आएगा, अमीर ब्रदर, अमीर इंटरप्राइजेस, अमीर इंटरप्राइजेस, और ये क्या हो जाएगा, अकबरी ब्रदर्स, अकबरी ब्रदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अमीर इंटरप्राइजेस का क्या है, अमीर इंटरप्राइजेस का है 300 रुपीस, और अकबरी ब्रदर्स का कितना है 400 रुपीस। तो आप लोगों को पता है कि जीएसटी जो होता है, सी जीएसटी क्या होता है 150 हो जाएगा, और एस जीएसटी क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा 200, और ये भी हो जाएगा 200। अब ये क्या बोल रहा है, तो अगर इसका टोटल निकालना है तो हम लोग टोटल भी निकाल सकते हैं। इसको जीएसटी कितना पे हो रहा है, जीएसटी 700 पे हो रहा है, और सी जी एस टी कितना पे हो रहा है, सी जी एस टी पे हो रहा है 350, एंड एस जी एस टी भी पे हो रहा है 350। तो इस तरीके से हम लोग भी इसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500। ये देखो ये परचेस किया है, तो परचेस किया तो क्या आ जाएगा हमारा, ये इनपुट टैक्स में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सोल्ड देम द लोकल कस्टमर, उसने लोकल कस्टमर को बेचा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट टैक्स हो जाएगा। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट 5%। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको ये ना जीएसटी नहीं दिया गया, ये पूरी अमाउंट दी गई हमको जीएसटी निकालने के लिए, उसका 5% निकालना पड़ेगा। हेंस द सी जी एस टी और यू टी जी एस टी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन टेरिटरी देयर इज ए यू टी जी एस टी इंस्टीड ऑफ द एस जी एस टी। जो हमारा संघ शासित प्रदेश रहता है, यूनियन टेरिटरी रहता है, जिसे हमारे महाराष्ट्र में एस जी एस टी लगता है, क्यों, क्योंकि ये राज्य है, और यूनियन टेरिटरी जो होता है, संघ शासित प्रदेश जो होता है, जिसे हमारे देश में टोटल 29 राज्य हैं, 29 राज्य हैं और 7 संघ शासित प्रदेश है। तो संघ शासित प्रदेश में क्या लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा परचेस करते समय है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इनपुट टैक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स हो जाएगा। बट इसके अंदर जीएसटी नहीं, ये जीएसटी नहीं है, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है, इसका 5% जीएसटी है। तो हम लोग सबसे पहले इसका इनपुट टैक्स निकालते हैं। यहाँ पे लिखो इनपुट टैक्स बाय मलिक गैस एजेंसी, या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एजेंसी इज इक्वल टू 5% ऑफ, कितना आ जाएगा इनपुट टैक्स, 5% ऑफ 24,500 का। तो इसका निकाल लो 5% ऑफ 24,000, इसका 5 24,500, ये हो जाएगा, ये 2020 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1225। ये इतना रुपीस उसका क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब हम लोग आउटपुट निकाल लेते हैं,
output tax by Malik Gas Agency, ये भी 5% बनेगा, 5% ऑफ 26,500, ये हो जाएगा 5/100 इंटू 26,500, ये टू जीरो से कैंसल, और मल्टीप्लाई करने पे इसका आ जाएगा ₹1,325. अब जीएसटी पेबल निकालना है, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना होता है, 1,325 माइनस 1,225, इसको माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 रुपीज, जीएसटी कितना आ गया 100 रुपीज। सो अभी हमको क्या पूछा गया है, ये जीएसटी आया, उसके बाद पूछा गया सी जीएसटी, यहाँ पे लिखो सी जीएसटी इज इक्वल टू हाफ इंटू जीएसटी होता है, ये जाएगा हाफ इंटू 100, तो इसको कैंसिल करने के बाद में ये हो जाएगा 50 रुपीज। सो दैट सी जी एस टी इज इक्वल टू ₹50। उसके बाद में अब क्या निकालना है, यू टी जी एस टी निकालना है, यू टी जी एस टी इसका भी क्या होता है, ये और स्टेट जी एस टी एस जी एस टी दोनों सेम होता है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ ना सिर्फ नेम में फर्क है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 100, तो ये भी होगा, सो दैट यू टी जी एस टी इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद ये कितना आएगा 50 रुपीज आ जाए। सो अभी हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे देखिए, सो हम लोग अभी फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, मिस मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन द कॉस्मेटिक वर्थ 600, इसका मतलब इसका भी जीएसटी नहीं दिया हुआ है, हमको जीएसटी निकालना पड़ेगा, एंड सोल्ड टू द कस्टमर फॉर 10,000, इसका ये देखो ये सोल्ड किया जा रहा है मतलब बेचा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका आउटपुट हो जाएगा, और ये क्या आ रहा है, ये परचेस किया जा रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा, और हमको सी जी एस टी और एस जी एस टी निकालना है, ठीक है। तो जैसा अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन के सेम वैसे ही करना है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिखो इनपुट टैक्स बाय मेसर्स ड्यूटी प्रोडक्ट कितना परसेंट है, 18% ऑफ 6,000, तो ये हो जाएगा 18/100 इंटू 6,000, तो ये 20 ये 20 से कैंसल हो गया, 18 6 10 8, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये हमारा क्या हुआ, ये इनपुट हो गया। अब सेम उसी तरीके से हम आउटपुट निकाल लेते हैं, आउटपुट टैक्स बाय मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट, इसका आउटपुट टैक्स कितना है, इसका भी 18% ऑफ 10,000 हो जाएगा ये, क्योंकि सोल्ड कर रहा है ना, आउटपुट टैक्स बेचने पे मिलता है, सेलिंग पे मिलता है, तो ये हो जाएगा 18/100 इंटू 10,000, 20 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा। सो अब यहाँ पे लिखो जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल बाय मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स।
तो आउटपुट टैक्स कितना आया है 1800 और ये है 1080, तो ये कितना हो जाएगा रुपीस 720। अब हमको CGST और SGST निकालना है। यहाँ पे लिखो CGST इज इक्वल टू हाफ इंटू GST, तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 360। ये 360 क्या आया तुम्हारा, ये आया CGST आया 360 रुपीस, ठीक है। उसके बाद अब SGST फाइन करो, SGST भी वही होता है हाफ इंटू GST, ये हो जाएगा हाफ इंटू 720, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 360। तो SGST भी हमारा क्या आया, SGST इज इक्वल टू 360 रुपीस। अब हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल पहले से बना लिया है। प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस, हमको टैक्स इनवॉइस बनाना है। गिवन इन्फॉर्मेशन, राइट नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST IN, एज पर योर चॉइस। ये जितना भी यहाँ पे तुमको दिया गया मेसर्स, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST IN नंबर, ये सब तुमको अपने से करना है, ठीक है। ये अपने से कुछ भी नाम दे सकते, जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं लिख सकता हूँ मेसर्स एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें मैं मतलब अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मेसर्स में आ सकता है एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इसमें आ जाएगा। एड्रेस आप लोग डाल सकते हो मुंबई, स्टेट हमारा क्या है महाराष्ट्र है, और डेट जिस डेट को आप लोग प्रिपेयर करोगे। उसके बाद में इनवॉइस नंबर में कुछ भी डाल सकते हो, GST 0345, फिर GST IN नंबर कैसा होता है ये तुम लोग को पता है, ये 27 हो जाएगा। उसके बाद GST IN नंबर में पहले क्या रहता है, पहले कोड रहता है, ये तो जरूरी है। उसके बाद लिख दो ABCDE, फिर कोई भी 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, फिर K, फिर उसके बाद में 1Z और 5, ये ज़रूरी है, 1Z 5 ज़रूरी है, 27 ज़रूरी है, और ये कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग अपना ये टेबल बनाते हैं उनका बिजनेस टू बिजनेस का। यहाँ पे देखो हमको ये प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर का बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दो, सीरियल नंबर, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, सीरियल नंबर कर लो। सीरियल नंबर के बाद में HSN कोड, HSN कोड, ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद में क्या है रेट, फिर आती है क्वांटिटी, फिर है टैक्सेबल अमाउंट, फिर है CGST में उसका रेट क्या है, सॉरी यहाँ पे लिख लो, ये रेट हो गया, और टोटल अमाउंट क्या होगी टैक्स। उसके बाद में है SGST का रेट कितना है और उसका टैक्स कितना आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टोटल। इस तरीके से हम लोग को फील करना है। सीरियल देखो यहाँ पे क्या क्या, पर्टिकुलर में एक मोबाइल बैटरी है और दूसरा हेडफोन है, सिर्फ यही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। HSN कोड कुछ भी दे दो, 3402 3403, ठीक है। नेम ऑफ प्रोडक्ट में दे दो मोबाइल बैटरी, और यहाँ पे हेडफोन। अब देखो यहाँ पे रेट दिया गया है, रेट इसका कितना दिया, 200 दिया है मोबाइल बैटरी का, तो रेट में लिखो 200
और हेडफोन का रेट है 750। क्वांटिटी कितना कितना पीस खरीदा है, देखो यहाँ पे 1-1 पीस खरीदा है, यहाँ पे क्वांटिटी में 1 एंड 1। अब यहाँ पे देखो HSN कोड इसने दिया है, मैंने देखा नहीं था HSN कोड, यहाँ पे HSN कोड कितना है 8508508518518। अब यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितनी आएगी, टैक्सेबल अमाउंट आएगा 200 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट इसका आ जाएगा 200 और इसका आ जाएगा 750। अब रेट कितना दिया गया, देखो यहाँ पे रेट कितना दिया है 12%। 12% क्या है, GST है, लेकिन हमको क्या करना है, CGST का निकालना है ना, इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा, इसका 6% आएगा और ये भी 6% आएगा, यहाँ पे कितना 18% है ना, तो ये 9% इसको कर दो और 9%। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 2000 का 6%, देखो यहाँ पे 2000 का 6% कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 रुपीस और इसका भी आ जाएगा 12 रुपीस। फिर 750 का 9%, तो 750 का 9% कितना होगा, ये हो जाएगा 67.50, मतलब 67.50 पैसा और इसका भी आ जाएगा 67.50 पैसा। तभी ये 200 प्लस 12 प्लस 12 ये जाएगा 24 और इसका आ जाएगा 67 हो गया 135 प्लस 750 तो ये हो जाएगा 885। अब इसको टोटल कर दो, इसका टोटल हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 79.50 और इसका भी टोटल वही आएगा 79.50 और अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 1109। तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना था। यहाँ पे भी देखिए 7th क्वेश्चन में प्रिपेयर द बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस, मैंने सेम वैसे ही लिखा है, इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे देखिए बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल गिवन बिलो, नेम द सप्लायर, एड्रेस, डेट एंड एज पर योर चॉइस। इसमें भी तुमको अपने मन से लिखना है, तो आप लोग सप्लायर और रिसिप्टेंट का नाम अपने से लिख लेना। अब यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे होगी, HSN कोड क्या दिया 3924, इसकी एंट्री हो जाएगी 3924। सेकेंड वाले की एंट्री क्या है, या तो फर्स्ट वाले का पहले का नेम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या जाएगा पेंसिल बॉक्स, क्या आएगा पेंसिल बॉक्स। रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 220 रुपीज, रेट दिया गया है 20 रुपीज। क्वांटिटी दी गई है 100 बॉक्स ना, 100 बॉक्स। टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2000 रुपीज। उसके बाद रेट कितना दिया गया, रेट दिया 12%, 12% मतलब 6% ये वाला आ जाएगा और 6% SGST आ जाएगा। सेम उसी तरीके से पहले इसकी एंट्री कर लो, इसका HSN कोड क्या दिया गया है 9503, ये क्या है जिग्सो पज़ल, ठीक है। इसका रेट कितना दिया गया, इसका रेट दिया 100 रुपीज, 100 रुपया दिया गया। क्वांटिटी कितनी दी गई, क्वांटिटी दी गई 50, इसे कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा ना, 5000 हो जाएगा। अब इसका रेट कितना दिया गया है 12%, इसका भी 6% निकालना है और इसका भी 6% निकालना है, तो हम लोग इसका 6% निकाल लेते हैं। 2000 का 6% कितना होता है 120 रुपीज, कितना होगा 120 रुपीज होगा, और 5000 का 6% कितना होता है 300 होता है, ठीक है। इसका भी वही एंट्री हो जाएगा
120 और यहाँ पे भी आएगा 300। अभी इसको प्लस कर लो, 120 240 और ये हो जाएगा 2240 रुपया, तो ये हो जाएगा रुपीस 2240। और ये 300 और 5600 ये हो जाएगा 5600। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना बनेगा, इसका टोटल हो जाएगा 7840 रुपीस। और यहाँ पे टोटल इसका आएगा 4420 और इसका भी टोटल आएगा 420। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 यहाँ पे